मोकमपुर का जो ब्रिज है उसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, और इसमें आज सुबह एक विवाद अखबारों में आया है कि इसमें कोई क्रैक डेवलप हो गया है, और इसी बात को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और मेरे साथ जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बना रहे हैं उनके PM हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आज अखबारों में सब लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें एक क्रैक डेवलप हो गया है। सर क्रैक नहीं है जी, बताइए। वो क्रैक नहीं है सर, वो एक्सपेंशन जॉइंट का पार्ट है। ये हमारे उसमें मैं अपने आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये एक्सपेंशन जॉइंट का पार्ट है, और एक्सपेंशन जॉइंट हमारा कंटिन्यू क्रश बैरियर तक जाएगा, क्योंकि हर छत अपने आप में अलग छत होगी, दूसरी छत से वो जुड़ी भी नहीं होगी। अगर वो जुड़ी भी हो जाएगी तो क्योंकि बैरिंग लगे हुए हैं नीचे, वो दूसरी छत हर छत से अलग रहेगी। लेकिन जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये क्रैक जैसा ही दिखाई दे रहा है। जी क्रैक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्रैक नहीं है सर, क्योंकि ये थर्मोकोल लगा हुआ है सर। ऐसा थर्मोकोल लगा हुआ है, जैसे ये थर्मोकोल लगा हुआ है, ऐसे थर्मोकोल लगा हुआ है पूरा पार्ट। हमने उस थर्मोकोल को नहीं निकाला, जबकि इस थर्मोकोल को यहाँ से निकाल दिया। ये क्यों छोड़ा जाता है सर? ये इसलिए छोड़ा जाता है कि जब अब ट्रैफिक चलता है, इसमें मूवमेंट आती है, जो बैरिंग इसके गर्डर के नीचे लगे हुए पियर कैप के ऊपर, उनमें मूवमेंट होती है, और मूवमेंट को सेटल करने के लिए कैप हमारा क्या होता है, जैसे आपने कोई वायर तार देखी होगी, जब सर्दियों में देखते हो तार टाइट हो जाती है, गर्मियों में लूज हो जाती है सर, इसी तरीके से आपके कंक्रीट में भी एक्सपेंशन आती हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट्स आती हैं सर। उसी को रिजिस्ट करने के लिए आपको ये बीच बीच में 50-50 mm के गैप देने पड़ते हैं, जिससे कि फर्दर आपके कोई इसमें मूवमेंट आता है, कुछ आता है, तो आप श्रिंक होएगा, एक के ऊपर एक स्लैब जब टकराती क्रैक डेवलप होते हैं सर, उसको रजिस्ट करने के लिए आपको एक्सपेंशन गैप देने जरूरी होते हैं। इसका मुआयना करने खुद जो नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर है हरिओम शर्मा जी, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी ये क्या है? देखिए जो हमारा वाइडेक पोर्शन होता है उसमें हर स्पान पे एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट ठीक लगा हुआ है, उसमें बाद में जब फिनिशिंग के टाइम पे इसमें रबर गैसकेट सील करते हैं इसमें, तो अभी तो ये खुला हुआ है ज्वाइंट। इसके बाद जब इसके ऊपर मैस्टिंग वगैरह हो जाएगा, BBM BC हो जाएगी, उसके बाद इसमें ज्वाइंट को सील किया जाता है, उसके बाद अपने आप ही पानी आना रुक जाएगा इसमें। इसके अलावा आज अखबारों में ये भी आया है कि मुख्यमंत्री ने जो रायपुर वाला आपका वहाँ पे ब्रिज है उसमें जो क्रैक डेवलप हो गए हैं उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, तो ये गलती कैसे रह गई? बिल्कुल, इसमें जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो एम्बैंकमेंट में फिलिंग हुई है अप्रोचेज में, उसमें कुटाई की मात्रा कम रही है, तो जब कंसोलिडेशन नहीं होगा प्रॉपरली सॉइल का, तो वो फिर उसमें पानी जाने में वो एक और वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है दीवार में, तो उसकी वजह से वो क्रैक डेवलप हुआ है, वो बैठा है, और इसकी जांच करी जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएगा सामने, उसको दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। बल्ली वाला जो फ्लाईओवर है उसमें भी एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है। फ्लाईओवर 2 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, और कमी के कारण गड्ढे नहीं है। गड्ढा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक जब ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक का वजन ज़्यादा आता है, तो कहीं पे अप्रोचेज में ये हो जाता है। उसमें BC की सतह उखड़ी थी, ये ज़रूर है कि BC की सतह उखड़ने के बाद में तुरंत ही उसको रिपेयर करना चाहिए था, वो रिपेयर करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और इस बीच में बारिश ज़्यादा हो गई तो वो गड्ढा ज़्यादा गहरा हो गया, लगभग करीबन 6-7 inch का गड्ढा हो गया, जिसमें कि वास्तव में दिक्कत हो रही थी, जो कि भर दिया गया। ये आपका जो हरिद्वार बाईपास पे जो ROB बन रहा है, कल हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, जो प्रिकॉशन के जो मीजर्स लेने हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, नंगे पांव काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो मोनो रेल वहाँ पे लगी हुई है वो भी बड़ी लापरवाही से लगाई गई है, दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजरता है, बड़ा एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो इस तरह के मामले फिर ये गलतियाँ लगातार दिखाई दे रही है। वो पूरा सिलेक्ट किया हुआ है कि रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो निर्माण स्थल है उसकी सुरक्षा का इंतजाम करें, और उनके द्वारा बैरिकेड्स वगैरह भी लगाई गई थी, लेकिन कतिपय जगहों पे वो उखड़ी होंगी, हट गई होंगी, तो उसके लिए निर्देश दे दिए जाएंगे। जहाँ तक मोनो रेल की बात है, मोनो रेल के ऊपर गैंट्री चल रही है, और गैंट्री चूँकि दोनों साइड से है इसलिए उसमें किसी प्रकार की कमी आने की संभावना नहीं है, उस गैंट्री लगा के गर्डर की लॉन्चिंग करी जा रही है, और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, और कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है उसके गिरने का या वैसे करने का। लेकिन जहाँ तक लेबर की सेफ्टी का सवाल है, लेबर की सेफ्टी के लिए ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हेलमेट जूते ये सब उनको उपलब्ध कराया जाए, और जब भी दौरे में देखा तो हमें मिले, अभी जाते हुए मैं देख लूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा।
ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आएंगे इसका उद्घाटन करने, तो क्या माना जाए कब तक ये सारे प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और शायद इसका ही उन्होंने उद्घाटन भी करना है? हाँ, इसके एक्चुअली कंप्लीशन डेट हमारी अक्टूबर है और हम कोशिश में हैं कि सितंबर तक। तो ये थे हमारे साथ नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर हरिओम शर्मा जी, जो बता रहे हैं कि जो भी कमियां पाई जा रही हैं उनको ठीक किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यहां पर चाक चौबंद तरीके से ये सारे आरओबी काम करना शुरू कर देंगे। जागो उत्तराखंड के लिए भूकंपुर आरओबी से आशुतोष नेगी।